तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बेसिक से क्विज करता हूँ। तो देखते हैं किसका आंसर जो दे दिया वही होगा अपना जेएस किंग। देखते हैं किसका कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा क्लियर है। जो नहीं दे पाएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए। ठीक, और चीटिंग करके जो आंसर दिया उसे पाप लगेगा, सोचे ना कौवा काट लेगा तुम लोग। लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं कॉल वेरिएबल वेरिएबल ई के अंदर मैं स्टोर करता हूँ 75, और वेरिएबल एन के अंदर स्टोर करते हैं 45, नहीं वेरिएबल एन स्टोर करते हैं स्वीट, वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं स्वीट। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट पी प्लस एन। ठीक, इसका मेरे को आंसर बता चैट में बताना। ठीक, सिर्फ चैट में पी प्लस एन का आंसर क्या आएगा। मान भी गलत है बाबू तुम्हारा, आदित्य ओके गुड, आदित्य राइट है तुम्हारा, 11 या राइट है गुड। मैं आंसर डिस्क्लोज करता हूँ। ठीक, मैं आंसर क्या करता हूँ डिस्कस करते हैं आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ से तुम लोग को अदर कोडिंग लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा। देखो ये जो टी है क्या इंटीजर है, तुम लोग को पता है नंबर है, और ये क्या स्ट्रिंग है, ये क्या एक स्ट्रिंग है। अब तुम लोग बोलोगे सर लेकिन पाइथन में हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग सीखे थे अगर इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो एरर आता था। याद करो पाइथन में एरर आता था ना, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में अगर तुम लोग इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो ये क्या करेगा, इंटीजर स्ट्रिंग को चिपका कर लिख देगा। क्या करेगा, इंटीजर स्ट्रिंग को आपस में चिपका कर लिख देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 78 स्वीटी। इसका आंसर क्या आएगा 78 स्वीटी। ठीक है, ये एरर शो नहीं करेगा। पाइथन में एरर शो किया जाता है, जेएस में एरर शो नहीं किया। जावास्क्रिप्ट स्मार्ट है, वो चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता है कौन सा स्ट्रिंग है कौन सा इंटीजर, फिर उसी हिसाब से उसको क्या करेगा अरेंज कर देता है। देखो ओपन लाइक करेंगे तो यहाँ पर 78 स्वीटी आ रहा है। ओके, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर एरर शो नहीं करता।